20 साल में इतनी बदल गई सलमान खान की जुड़वा हीरोइन रंभा, तस्वीर देख रह जाएंगे हैरान। क्या आपको एक्ट्रेस रंभा याद है? वही रंभा जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड में खूब तहलका मचाया था। फिल्म जुड़वा में सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद भी की गई थी। रंभा ने 20 साल पहले यानी 2002 में हिंदी फिल्में छोड़ दी थी। उसके बाद से वो मलयालम और बंगाली फिल्मों में नजर आने लगी। 2017 में रंभा एक तमिल रियलिटी शो में बतौर जज आई। अब रंभा अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर चर्चा में है। इन तस्वीरों में रंभा का लुक एकदम हैरान करने वाला है। 2002 में रंभा जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में नजर आई थी, जिसमें अक्षय कुमार और मनीषा कोराला समेत कई बड़े स्टार्स थे। तब से लेकर अब तक इन 20 साल में रंभा पूरी तरह बदल चुकी है। रंभा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति और बच्चों के साथ बीच वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में रंभा काफी अलग लग रही हैं, लेकिन उनकी स्माइल और खूबसूरत आंखें अभी भी वैसी ही हैं। इन तस्वीरों में रंभा को देखकर फैंस काफी खुशी से झूम उठे हैं। रंभा का असली नाम विजय लक्ष्मी है और उनका जन्म विजयवाड़ा में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। रंभा ने 1992 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उस वक्त रंभा स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन 15 वर्षीय रंभा ने एक्टिंग के लिए पढ़ाई छोड़ दी और मलयालम फिल्मों से एंट्री की। रंभा ने साउथ के अलावा कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की है। सलमान खान के साथ रंभा ने 2 फिल्मों में काम किया है, जिनमें जुड़वा और बंधन शामिल है। 2002 में बॉलीवुड की अलविदा कहने के बाद रंभा ने 2010 में कनाडा के रहने वाले बिजनेसमैन इंद्र कुमार पद्मनाथन से शादी कर ली। रंभा की 2 बेटियां और 1 बेटा है और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। रंभा ने जिस वक्त फिल्में छोड़कर शादी करने का फैसला किया था, उस वक्त वह अपने करियर के पीक पर थी। रंभा ने सलमान से लेकर गोविंदा और मिथुन चक्रवर्ती समेत कई बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया था। रंभा आज भले ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई हैं, पर शादी के कुछ साल पहले ही उनके और पति इंद्र कुमार के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी थी। ऐसी भी चर्चा थी, जब रंभा ने इंद्र कुमार से शादी की तो उन्होंने एक्ट्रेस को बताया था कि वह शराब का हाथ नहीं लगाते हैं। पर शादी के बाद न सिर्फ उनकी शराब की लत के बारे में खुलासा हुआ, बल्कि रंभा को पति के पहले से ही शादीशुदा होने के बारे में भी पता चला। उस वक्त रंभा और उनके पति के अलग होने की भी नौबत आ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त रंभा को उनके ससुराल वालों ने भी खूब परेशान किया। वह अपनी बेटियों से भी नहीं मिल पाती थी। बताया जाता है कि रंभा को पति इंद्र कुमार की पहली शादी के बारे में हनीमून पर पता चला था। पहली बेटी के पैदा होने के बाद ही रंभा पर ससुराल वालों ने कथित तौर पर अत्याचार शुरू कर दिए थे, जो दूसरी बेटी के जन्म के बाद और बढ़ गए। पर रंभा ने किसी तरह इंद्र कुमार के साथ अपनी शादी बचा ली और अब वह उनके और 3 बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। 2008 में रंभा के सुसाइड की कोशिश करने की खबरें भी खूब आई थी। उस वक्त रंभा को हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया था। हालांकि रंभा ने बाद में सुसाइड की कोशिश से इनकार किया था और कहा था कि वह बीमार हो गई थी।